और बिंदी जैसे इंडियन मतलब भारतीय संस्कृति में बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जीन्स के साथ भी बिंदी लगाते हैं, हम उस पर भी जज हो जाते हैं कि जीन्स के साथ बिंदी लगाई है, शी इज नॉट दैट वेस्टर्न, इसका थॉट वैसा नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें ना जो मैंने ओवर द पीरियड फील करी है मेरे साथ खुद भी, और मैंने खुद भी किया, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया, मैंने भी लोगों को जज किया। और सबकॉन्शियस माइंड में ना मम्मियों की बातें चलती रहती हैं आपके, हाँ मतलब वो आपके ऑडियो ऐसा सेट है ना दिमाग में कि आप कुछ करते हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ इस पर क्या मम्मी क्या बोलेंगी। हाँ वो पीछे से जैसे तो मूवीज में आता है बैकग्राउंड में कि बेटा रुको हाँ करो। रुको ये। और मुझे ऐसा लगता है ना इंडियन सोसाइटी में थोड़ा लाइक लिव एंड लेट लिव वाली भावना थोड़ी सी कम है, मतलब वी थिंक लाइक कि हाँ हमें ना, जैसे मैंने बोला कि मुझे लगता था कि हाँ मैं जज कर लेती हूँ, तो वो थोड़ा ज्यादा है कि हमारा जो टॉपिक्स भी होते हैं ना, वी टॉक अबाउट अदर पीपल, वी डोंट टॉक अबाउट मोर अबाउट आइडियाज एंड हाउ वी विल ग्रो, हाउ वी विल लर्न समथिंग न्यू। वी फील यस वेरी पावरफुल व्हेन वी डिस्कस पीपल, बात की ना कि लोग बोलते तो बोलते अच्छा बिहार से हैं क्या, तो फिर हाँ एक वो एक इमेज फट से, आपने ये बोला बिहार क्या, और एक इमेज वो बिहार वाली जो बना रखी है दुनिया ने वही आ वो गई। आपके दिमाग में आ जाएगी, अच्छा ऐसा ऐसा होता होगा, या ये तो पीएससी की तैयारी कर रहा होगा, आईएएस की तैयारी कर रहा होगा, और वो एक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लग रहे थे लुक वाइज भी और उनके ड्रेसअप से भी। तो आपकी कंडीशनिंग जिसको बोलते हैं ना, आप न्यूज पढ़ पढ़ के या इतना देख देख के आप मतलब एकदम से ना पता नहीं क्यों मैं डर गई। उन्होंने कुछ नहीं किया था, वो सिर्फ आके वो भी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे जैसे मैं इंतजार कर रही थी। ये भाषा मुफलिस नहीं है दोस्त, बस प्यार को तरस रही है। हिंदी चलन में नहीं तो क्या हुआ, दिलों में तो बस रही है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट विद मी गौरव सिन्हा। पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हमने बात की एक बार फिर से नित्या शुक्ला जी से, और नित्या जी से हमारी बात हुई थी एपिसोड नंबर 13 में। और ये कोइंसिडेंस ही है कि जब हमने पहली बार नित्या जी से बात की थी तो वो था एपिसोड नंबर 13, और अब जो एपिसोड हमारा होने वाला है वो है 31। तो नंबर रिवर्स हो गए हैं। और जहाँ तक बात की जाए नित्या की, तो नित्या एक राइटर हैं, आर्ट लवर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और एक हिंदी प्रेमी भी हैं। और हाल ही में उनकी दो किताबें, उनके द्वारा ट्रांसलेटेड, हिंदी में ट्रांसलेटेड दो किताबें वर्ल्ड बुक फेयर दिल्ली में लॉन्च हुई। तो उम्मीद है ये जो बातचीत है वो आपको पसंद आएगी, और अगर ऐसा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को और इस एपिसोड को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट की इस कम्युनिटी से जुड़ सकें। तो चलिए सुनते हैं नित्या से हमारी डिस्कशन। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस नित्या आपको, क्योंकि आप पहले थैंक ऐसे यू। गेस्ट हो जो द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट में दोबारा आ रहे हो। तो कुछ कुछ अच्छा किया होगा हमने, लगता है लास्ट टाइम जब डिस्कशन की थी कि हम दोबारा मिल रहे हैं। और लास्ट डिस्कशन में मुझे लगा कि काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो इसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जा सकती हैं, भले ही हम रीच ना भी देखें कि नहीं हमारा वाइड पब्लिसिटी है या कुछ, पर जिन लोगों को इफेक्ट करना चाहिए उनको इफेक्ट कर रहा है, एंड दे रिजोनेट विद आर थॉट्स। तो मुझे और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगा। जी, और उतनी मतलब इंगेजमेंट ना भी हो बट जितना था वो बहुत बढ़िया था। और आई रिमेम्बर जो हमारी पहली बात हुई थी, पहली बार जो पेरेंटिंग और किड्स के अराउंड आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी, तो वो बहुत ज़्यादा रेजोनेट हुआ था और मतलब लोगों को पसंद आया था। मुझे काफ़ी टाइम तक फीडबैक मिलता रहा था उस पर कि नहीं ये बहुत रिलेटेबल हाँ है और बहुत एनरिचिंग है हमारे लिए। कई लोगों को पता भी नहीं था कुछ हाँ बातें तो जो आपने बताई थी। हाँ जी जी, जी तो जी जी वो हम कह सकते हैं कि वो पहला एपिसोड था जो काइंड ऑफ इस छोटे प्लेटफॉर्म के लिए वायरल, आप कह सकते हैं कि वैसा अच्छा ओके। था। तो उसके लिए थैंक यू मैंने आपका। आपको बताया भी था, मैंने हाँ आपको जी बताया भी था कि मुझे व्हाट्सएप पे भी उसके रील्स, नहीं वो आई थिंक दूसरा दूसरा वो था, वो दिवाली वाला था व्हाट्सएप जी जी पे जी जिसके जी मुझे जी वो आए थे क्लिप्स। हाँ, बट वो भी एक अचीवमेंट मैं मान रहा था कि चलो कहीं और से शेयर हो रहे हैं हाँ कॉपी करके तो अच्छा है। राइट आज का हमारा टॉपिक जो है
आप बताइए कि मतलब मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी इस पर बात करना है, जी, तो इनफैक्ट इसीलिए मैं मैंने आपको बताया था। जी, तो इसके ऊपर भी जो कहानी है काफ़ी अच्छी हो गई है। मतलब मैं छोटा सा करके बताता हूँ कि मैं क्या सोच रहा था आज, मतलब जब बात करनी थी आपसे, कि आपने शायद मुझे लास्ट ईयर, मतलब अभी से 2-3 महीने पहले बात हुई थी हमारी कि हमें करना चाहिए इस टॉपिक पे। टॉपिक हम बाद में बात हाँ करेंगे, थोड़ा सा सस्पेंस हाँ बना हाँ लेते हैं। तो जी उसके बाद हुआ कि उसी टॉपिक के अराउंड फिर मैंने, मतलब जो अपनी बुक है पोएम्स की, वो पब्लिश करना करने की जो शुरुआत थी, जो प्रोसेस होता है वो शुरू किया उसके बाद ही। और उसमें इंटरेस्टिंगली पहले एक कवर बनाया, वो रिजेक्ट, मतलब खुद ही रिजेक्ट किया पब्लिश करने के बाद। उसको फिर दूसरा कवर बनाया जो कि फिर मुझे भी पसंद आया। और अभी जब रिसेंटली, अभी आप बुक फेयर से आ रही हैं और आपकी दो जो बुक्स हैं जो आपने ट्रांसलेट की हैं हिंदी में एज ए ट्रांसलेटर, वो पब्लिश हुई हैं। तो और उसके अलावा भी जब आपसे बात हुई थी और हम किसी कारण से नहीं हम कनेक्ट कर पा रहे थे, तो उस बीच मैंने काफ़ी कंटेंट लिखा भी उस टॉपिक के अराउंड ही, कि कैसे हाँ जी वो कैसे हमारी लाइफ को, अलग अलग एस्पेक्ट को, मतलब इम्पैक्ट करता है। जी तो बिल्कुल एक लंबी जर्नी सिर्फ यहाँ तक पहुँचने में हो गई कि हम फिर कनेक्ट कर रहे हैं, बट वो बहुत अच्छा रहा था कि आपने वो टॉपिक सजेस्ट किया था, तो उससे काफ़ी हाँ कुछ हाँ समझ जी आया। तो टॉपिक अब आप बता दो क्योंकि आप गेस्ट थे। हम तो टॉपिक में यही काफी दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था कि व्हाई वी जज द बुक बाय इट्स कवर, वी शुड और वी शुडंट, ये बहुत बड़ा सवाल है। और कई बार मुझे लगता है कि हम चाहते हैं कि हम जज ना करें, पर बुक जज होती है कवर से। आपको पता चली कि आप ही खुद बोल रहे हैं कि आपने खुद ही अपनी बुक का कवर सबसे पहले रिजेक्ट किया करेक्ट था तो करेक्ट वो एक धारणा बनी आई है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। करेक्ट तो इंसान जब किताब उठाता है तो सबसे पहले कवर की तरफ ही देखता है। जैसे मैं भी बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ अपनी बुक, अपनी खुद की लिखी हुई बुक पब्लिश कराने की, पर वो हो नहीं पा रहा है। पर सबसे पहले जिससे भी बात करो तो सबसे पहले यही होता है कि आप कवर बहुत अच्छा डिजाइन करना, या कवर आप मत बताना, हम आपको बताएंगे कि कैसा होता है। तो बिल्कुल वो मुझे बड़ा लगता है ऐसे कि किताब मेरी, अगर कोई मुझे बोलता है ना कि आपकी बुक का कवर मैं बताऊंगा कि कैसे होना चाहिए, तो मुझे लगता है किताब मेरी, ख्याल मेरे, मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाह रही हूं, तो कवर भी मेरे जैसा होना चाहिए। भले ही वो शायद पब्लिशर को उतना रास ना आता हो, बिल्कुल उसको शायद लगे कि यार ये अच्छा नहीं है, पर अगर वो मेरी चीज है तो मुझे पसंद आनी चाहिए पहले, फिर हम दूसरों के हिसाब से सोचें कि शायद दूसरा उठाएगा। पर ये बात भी सही है कि दूसरा तभी उठाएगा जब उसको कवर पसंद आएगा, अंदर हाँ, का ये कंटेंट तो तभी देखेगा वो। बिल्कुल, और ये बहुत एक डिलेमा है बहुत ही ज़बरदस्त, कि क्या किया जाए। मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन तो पड़ता ही पड़ता है, हम अग्री करते हैं, बट फिर उसका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव भी हो जाता है कई बार। और क्योंकि हम जजमेंटल हो जाते हैं तो काफ़ी अच्छी जी चीज़ें इग्नोर भी कर देते हैं लाइफ में। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो तो हम देखते ही आ रहे हैं। तो जैसे आपने हाँ बताया जी कि मैं भी जब अभी थोड़ा, मतलब मुझे भी रियलाइज़ हुआ, मुझे नहीं पता था कि बुक का जो, बुक तो लिख लेते हैं आदमी, कवर में ही ज़्यादा टाइम जाता है, तो बुक तो फटाफट कंटेंट होता है, हमने चलो उसको कर लिया अलाइन, बट जो कवर में जो दिमाग ख़राब होता है वो मुझे तब रियलाइज़ हुआ जब खुद खुद उसको फाइनल करना शुरू किया हमने। तो एक इलस्ट्रेटर हाँ से भी जी बात हुई, उसको मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया तो उसने कुछ बनाया, तो कुछ, मतलब उसने काफ़ी मेहनत की बट मुझे समझ में नहीं आया। इवेंचुअली फिर क्या हुआ, वो मेरी वाइफ की जो पेंटिंग है उसने उसी दिन एक बनाई थी जिस दिन मैंने पब्लिश करने के लिए भेज दिया था पुराने वाले को, वो भी उसी की पेंटिंग थी, बट वो हाँ थोड़ी सी डल लग रही थी मुझे। तो उसने वो पेंटिंग बनाई तो मैंने बोला यार ये तो बिल्कुल एप्ट बैठता है, जो टाइटल है और जो कंटेंट है, मतलब थोड़ा सा हाँ सटल है, मुझे ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए। और वो फिर रखा हाँ और वो फटाफट, मतलब कुछ मिनटों में मैंने उसको डिज़ाइन विज़ाइन करके जो भी है एडिटिंग करके डाल दिया। हाँ तो वही है कि अच्छा मतलब क्या क्लिक करता है वो, हमें वो सही टाइम पे क्लिक कर जाता है। बट हाँ, जी अगर कोई भी बिल्कुल बुक पब्लिश कराना चाह रहा है तो मैं ये बोलूँगा कि पहले कवर को भी साइड बाय साइड प्लान करते रहो, तो इजी हो जाएगा पब्लिशिंग के टाइम पे। हाँ बिल्कुल। और बुक कवर की बात है जैसे, तो वो हमारी
व्यक्तिगत जिंदगी में भी आप देखो कि हम किसी भी चीज को, चाहे कोई परिस्थिति हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, या हम किसी से पहली बार मिल रहे हो, मतलब वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड शायद ऐसे ट्रेंड हो चुका है कि हम सबसे पहले मिलके ना हम एक धारणा बना लेते हैं किसी व्यक्ति के बारे में कि हाँ ये शायद ऐसा होगा या होगी। अब हमें नहीं पता वो कैसा है वो व्यक्ति, पर जो लुक हमें दिखता है ना, जैसे किताब का हमें एक सबसे कवर दिखता है, वैसे ही हमें किसी व्यक्ति का जो लुक दिखता है उस पे हम आधारित बहुत धारणाएं बना लेते हैं। तो बुक को देखिए, बुक कवर की हम बात कर रहे थे, तो जैसे बुक को अगर फेमस होना है तो उसका ऑब्वियसली कंटेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सिर्फ कवर से काम नहीं चलेगा, कंटेंट इज द की, पर वो कंटेंट तक जाने के लिए रास्ता तो कवर से ही जाता है। तो वो कंटेंट को स्ट्रांग बनाने के लिए कितनी मेहनत लगी है, कितने साल लगे हैं, और वो जो जब धीरे 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 बढ़ता है, पर जो इनिशियल पब्लिसिटी या इनिशियल इंप्रेशन मिलता है दैट इज थ्रू बुक ओनली। ऐसा ही हमारे माइंड और इंडिविजुअल्स के इंटरेक्शन के साथ होता है कि हम जब लोगों से मिलते हैं तो हम उनके बारे में एक धारणा बना लेते हैं कि ये बिल्कुल व्यक्ति ऐसा होगा। और हम कई बार, हमें इस बात का बड़ा गुमान भी होता है, जैसे मुझे बहुत था इस बात का गुमान कि ना मैं तो जज कर लेती हूँ लोगों को, मुझे पता है फर्स्ट उसमें मीटिंग में पता चल जाता है इसकी वाइब अच्छी है कि नहीं है, करेक्ट बट वो एक्सपीरियंस से ही आता है कि नहीं, आप सही नहीं होते हो हमेशा। आपको बहुत सी चीजें जिंदगी सिखा देती है। मैं अगर एक एग्जाम्पल देना चाहूं तो अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है मेरे साथ कि हमें किसी कहीं पे एडमिशन के लिए हम ट्राई कर रहे थे और हमें लगा कि हमारे ही फ्रेटर्निटी से कोई एक पर्सन है वहां पे, हमें लगा यार वो सेम फ्रेटर्निटी से हैं तो हम उनको कॉल करते हैं, वो तो फटाफट हमें जवाब दे देंगे, ही विल बी लाइक वेरी हेल्पफुल। हमने कॉल किया, उन्होंने उठाया 10 सेकंड में, लाइक कट टू कट बात करके, हाँ मैं देखूंगा करके ही ड्रॉप्ड ऑफ द कॉल। बट से हमने धारणा बना ली कि ही इज वेरी एरोगेंट, वो तो कहाँ, मतलब लोगों को जब पोजीशन मिल जाती है तो दे डोंट थिंक कि लोगों की हेल्प करना चाहिए ये वो। एंड मी एंड माई हस्बैंड हैड 10 मिनट ऑफ टॉक ऑन दैट पर्सन एंड वी वर वेरी अपसेट ऑल्सो। ऑब्वियसली जब आपके हिसाब से चीजें नहीं होती, आप अपसेट होते हो कि यार हमने तो कुछ सोचा था वो हो नहीं बिल्कुल पाया। बट फॉरवर्ड लाइक 6 मंथ फॉरवर्ड आप कर दो, एंड अगेन वी वर इन लाइक वेरी टफ सिचुएशन, हमारे कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे एंड वी वर सीकिंग सम हेल्प। तो किसी ने हमें बोला उनसे जाके मिलो, ओके तो आई वाज वेरी हेजिटेंट क्योंकि हमने तो एक धारणा बना रखी थी कि वो तो कहाँ होना, उन्होंने तो बिल्कुल बोल दिया था कि ठीक है देखूंगा, फिर कोई रिवर्ट बैक नहीं किया। आई वाज वेरी हेजिटेंट बट कंडीशन ऐसी थी कि मुझे जाना पड़ा उनके पास, एंड ही वॉज द पर्सन जिन्होंने उस मौके पर हमारी ऐसी मदद की जब हमें लग रहा था कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, एंड ही वॉज दैट रे ऑफ होप कि हमें उन्होंने रास्ता दिखाया कि आप इस चीज को इस तरह कर सकते हो। तो आई फेल्ट सो गिल्टी दैट डे ना कि क्या हम ऐसा क्यों करते हैं, मतलब। और मुझे लगा कि भगवान ने मुझे एक सबक दिया है कि आप अपने आप को ऐसा मत समझो कि यार आपने किसी को जज कर लिया और वो व्यक्ति वैसा ही है। और आई वॉज, मतलब फिर मैंने हस्बैंड को तुरंत फोन करके बोला कि यार हम गलत सोच रहे थे, ही वॉज नॉट लाइक दैट। उन्होंने इतनी मदद की जब हम बिल्कुल, हमें लग रहा था कि हम बिल्कुल हेल्पलेस हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से रास्ते खुलेंगे। ही वॉज लाइक 4 फोन लगाए उन्होंने कि आप इससे कॉन्टेक्ट कर लो, इससे कॉन्टेक्ट कर लो, ही विल हेल्प यू एंड दिस विल हैपन, इसके आगे ये होगा। तो वो एक इंसिडेंट है ना जो मुझे काफी झकझोर गया कि क्यों हम ऐसा करते हैं कि किसी के बारे में एक धारणा बना लेते हैं। और ये बिल्कुल एक इंसिडेंट नहीं, ऐसे बहुत से हुए हैं, पर ये रीसेंट इंसिडेंट है। और फिर हम फिर भूल जाते हैं, फिर अगेन आफ्टर फ्यू मंथ्स और सम टाइम फिर वही होगा कि हाँ शायद हमें कोई मिलेगा, हम एक धारणा बनाएंगे, फिर हमें एक इंडिकेशन मिलेगा नहीं यू आर रॉन्ग। तो वही कंडीशन है। राइट वेल सेड। और जब आपने बताना शुरू किया नित्या कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं जज कर लेती हूँ, मतलब एक बार में ही टैलेंट है, सुपर पावर है, तो मैं, हाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ना ये बहुत अपनी तारीफ करता रहता था कि नहीं, मेरे को तो ऐसे वाइब आ जाती है, तो मुझे पता है ये इंसान कैसा है, पता नहीं लोगों को समझ कैसे नहीं आता और बार बार मतलब वो ये कि ठोकर खाते रहते हैं, समझ में तो आ ही जाता है कोई सामने बैठा है तो वो बिल्कुल फैक्ट है। जब आप जैसे जैसे आपको थोड़ी समझ आती है ना एक्चुअल, तब तो पता लगता है कि आप ना अपन अलग ही दुनिया में सुपर हीरो बने हुए हो, बट आप हो नहीं।
हाँ ये तो बिल्कुल फैक्ट है, और इसके पीछे मतलब हाँ जितना मैंने पढ़ा भी है और समझा भी है कि वही है अपनी जो साइकोलॉजी है ह्यूमन, वही काम करती है। कि जैसे आपने अनकॉन्शियस बायस बोला, वो है, वो मतलब हम पैदा होते हैं उसके बाद धीरे धीरे वही डेवलप ही होता रहता है, कभी कम तो होता नहीं है। कम वो तब होता है जब हम समझना शुरू कर देते हैं, एक इतनी मेच्योरिटी हाँ आ जाती है तो हम अनलर्न करना शुरू करते हैं चीज़ों को, कि यार मैंने ये बैगेज बना लिया इसको हटाओ। हटाओ और वैसे ही अब पता नहीं अब साइंटिफिक टर्म में और भी चीज़ें हैं, जैसे एक हम बोलते हैं हेलो और हॉर्न, क्या था वो, हेलो एंड हॉर्न इफेक्ट करके था कुछ, हाँ मतलब हाँ कि मैंने पढ़ा, आपके ब्लॉग में लिखा था आपने इसके बारे हाँ में। हाँ तभी मुझे वो थोड़ा सा याद आ रहा था कि कहीं पे मैंने पढ़ा था कि वही होता है कि अब एक इम्प्रेशन जो बन जाता है किसी ने कुछ अच्छा होता है, तो वो ज़िंदगी भर हम उसको ना उसी लेंस से देखते रहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, चाहे वो उसके बाद वो बहुत ही बुरे बुरे काम करता रहा इंसान। और अगर किसी के साथ थोड़ा बुरा एक्सपीरियंस या थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा होता एक्सपीरियंस, तो हम फिर उसको हमेशा ही, चाहे वो कितना भी अच्छा कर ले, हमारी नज़र में वो रहता है कि नहीं यार ये तो बेकार ही है। तो वैसी चीज़ें हाँ हैं, करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है ना, इंडियन सोसाइटी में थोड़ा लाइक लिव एंड लेट लिव वाली भावना थोड़ी सी कम है। मतलब वी थिंक लाइक कि हाँ हमें ना, जैसे मैंने बोला कि मुझे लगता था कि हाँ मैं जज कर लेती हूँ, तो वो थोड़ा ज्यादा है कि हमारा जो टॉपिक्स भी होते हैं ना, वी टॉक अबाउट अदर पीपल, वी डोंट टॉक अबाउट मोर अबाउट आइडियाज एंड हाउ वी विल ग्रो, हाउ वी विल लर्न समथिंग न्यू। वी फील यस वेरी पावरफुल व्हेन वी डिस्कस पीपल। तो वो मुझे एक थोड़ा सा, बहुत अभी से नहीं, मतलब लाइक फ्रॉम माय यंगर डेज ना, ये मुझे बड़ा खटकता है कि हम क्यों लोगों को डिस्कस करते हैं। जो जैसा है वो वैसा है, उसकी कोई कंडीशन वैसी रही है या उसकी कोई परिस्थिति वैसी रही है, उसने कुछ वैसा अनुभव किया है जिंदगी में, इसलिए जिसे बोलते हैं ना, हम अपने अनुभवों का ही नतीजा होते हैं। जो भी हमारी जिंदगी में गुजरा हुआ है, हम उसी के हिसाब से ही हमारी पर्सनालिटी होती है। तो हम बिल्कुल उसके बारे में भी बहुत जजमेंटल हैं लोगों को लेके, कि जैसे कोई बच्चा बच्चा क्या, कोई पर्सन भी आप ले लो ना, कई बार हमें लगता है कि, और हम बहुत लेबल कर देते हैं लोगों को कि अरे ये तो डरपोक है, ये तो कर नहीं पाएगा, कि या बिल्कुल ये, इसको ये काम दो ये कर लेगा। क्या पता आप दूसरे व्यक्ति के बारे में, जिसके बारे में सोच रहे हो बहुत डरपोक है, वो काम कर पाए वो, और उसके बाद उसका नेचर बदल जाए या उसका परसेप्शन बदल जाए और आपका भी परसेप्शन उस व्यक्ति के लिए बदल जाए। तो ये जो लेबल कर देते हैं ना हम, ये भी मुझे बड़ा वो लगता है, क्योंकि ये भी शायद उम्र और अनुभव के साथ ही आता है कि लोगों को लेबल, जो भी व्यक्ति जैसा है वो अपनी परिस्थिति और अनुभव के हिसाब से ही है, उसके रिएक्शंस उसी की तरह है, उसी की वजह से है। बिल्कुल तो बहुत हम, बहुत कुछ मैंने मतलब ऐसे फील भी किया है कि हम ना बहुत लेबल कर देते हैं, और हम इन जनरल लाइफ भी, जैसे आप एज अ टीचर भी मैं बोलूँ ना, हम क्लास में भी कई बार लेबल कर देते हैं बच्चों को कि नहीं यार इससे ये काम नहीं, जैसे एनुअल फंक्शन की बात है तो इससे ये काम ना कराओ। तो जो बच्चा पीछे बैठा है, जो हाथ नहीं उठा रहा है, हमें नहीं पता कि वो हो सकता है अगर हम उसको स्टेज पे खड़ा करें वो बहुत अच्छा कर जाए, पर क्योंकि वो इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, तो हम, और क्लास में उतना एक्टिव नहीं है, तो हमने वो धारणा बना ली कि हाँ शायद ये बच्चा नहीं कर पाएगा, जो ज्यादा बोल रहा है क्लास में वो ज्यादा अच्छा कर पाएगा। तो ये तो ये है। जो हाँ, लेबलिंग होती है ना, उससे भी हमें निकलना बहुत जरूरी है। और ये जो टीचर वाली बात की, ऐसे मुझे अपना स्कूल टाइम याद आता है, छोटी सी स्टोरी है ये इंसिडेंट की, आई थिंक 10th में या 12th में ऐसे ही कुछ था, कि शायद 10th बोर्ड था, तो जो मार्क्स आते हैं उसके बाद फिर हम जब फर्स्ट डे दोबारा जाते हैं तो टीचर्स वो होता है ना कि पूछते थे उस वक्त कि अच्छा कितने कितने मार्क्स आए हैं, परसेंटेज तो वो पहले बताओ, सबसे पूछ रहे थे। तो इंग्लिश टीचर थी हमारी, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ करती थी, तो वो शायद उनका आर्मी बैकग्राउंड रहा था फैमिली का, तो उन्होंने मतलब मैं था नहीं वोकल अपनी क्लास में, मैं आराम से कहीं बैठ के ऐसे बैठता था कि मैं कहीं नज़र में ना हो। और इंग्लिश मुझे पसंद थी, मतलब लिटरेचर वगैरह, तो मैं पढ़ पढ़ के मार्क्स वगैरह ठीक ले आता था, पता नहीं तुक्के में। तो उसके बाद जब मार्क्स बताने की बारी आई, मैंने खड़े होकर बताया, डिस्टिंक्शन वाले कुछ थे 12th 10th में, तो जब मैंने बताया तो उनका जो रिएक्शन था ना वो बड़ा, मतलब मुझे अभी तक उनकी शक्ल याद है, जैसे ये बिल्कुल सरप्राइजिंग कि नहीं यार इसके इतने नंबर कैसे आए होंगे, मतलब आज तक तो मैंने साल भर तो इसको कभी देखा नहीं कुछ बताते हाँ हुए, हाँ भी हाँ आंसर करते हुए या कहीं भी कुछ करते हुए, बट इसके आए कैसे हैं। तो वो जो लुक था ना, हाँ वो मतलब इतने साल हो गए हैं बट वो मुझे लुक कभी भी उन याद है। तो फिर जो मेरे कुछ याद दोस्त थे है। उन्होंने बोला नहीं नहीं ये बहुत अच्छा है ये वो,
तब उन्होंने बोला ओके ओके गुड जॉब, और फिर बिठा दिया। बट वो बड़ा फनी है और इंटरेस्टिंग था, क्योंकि लोग समझते नहीं है और एग्जैक्टली लेबल कर देते हैं। वो हाँ तो है। बिल्कुल। अभी जैसे हम बुक पब्लिशिंग की बात कर रहे थे, तो आप पब्लिशर से बात करते हो ना, जैसे मैंने आपको ये इंसिडेंट बताया भी था कि मैंने किसी पब्लिशर से बात की थी बुक पब्लिश कराने के लिए। और अपनी नजर में तो आप जो व्यक्ति लिखता है, कोई भी व्यक्ति लिखता है, वो अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए लिख रहा है। शुरुआत तो वैसे ही होती है ना, पाठकों को इंप्रेस करने के लिए नहीं लिख रहे होते, हम अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए लिखते हैं। फिर वो बिल्कुल ग्रेजुअली लोगों के साथ रिजोनेट होता है, तो लोगों को पसंद आने लगता है। तो ये मैंने एक दो पब्लिशर से बात की, तो मुझे तो डायरेक्ट, मतलब पहले मुझे पता भी नहीं था कि कैसे पब्लिशिंग वगैरह होती है, तो मुझे सीधे ही लोगों ने बोला कि एक खराब, मतलब 3-4 खराब किताबें छापने से अच्छा है काफी समय बाद छापो, पर अच्छी किताब छापो। तो उस टाइम तो मैं बहुत डिस्करेज हो गई थी कि यार शायद मैं अच्छा नहीं लिखती हूँ। फिर अब मुझे रियलाइज होता है उन्होंने तो मुझे पढ़ा ही नहीं था, उन्होंने सिर्फ मेरी बातों पर जज कर लिया मुझे। मैं बात कर रही हूँ उनसे फोन पर, उन्होंने उस पर ही जज कर लिया कि ये नई है, इनकी कोई किताब कभी पब्लिश हुई नहीं है, तो ये अच्छा नहीं लिखती होंगी, या इनका नाम नहीं है, शी इज नॉट फेमस, तो ये अच्छा नहीं लिखती हूँ। तो मुझे अब रियलाइज होता है कि उनको कैसे पता कि मैं अच्छा नहीं लिखती हूँ, है ना। हु इज, बिल्कुल मतलब उन्होंने कैसे लेबल कर दिया कि मैं अच्छा नहीं लिखती हूँ, मैं तो अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए लिख रही हूँ। अगर किसी को रिजोनेट करता है तो वो धीरे धीरे पब्लिसाइज हो जाता है, और सारे लेखकों के साथ यही होता है, सभी बेस्ट बिल्कुल, सेलर नहीं एकदम से बन जाते हैं, और हर फील्ड में होता है तो ये। करेक्ट हर फील्ड में होता है। जी। तो वो तो है, तो वो उस टाइम मैं डिस्करेज हो गई, बट अब मेरे को लगता है कि नहीं, मुझे बोलना चाहिए था उनको कि आपको कैसे पता कि मैं अच्छा नहीं लिखती हूँ। पर वो होता है ना उस टाइम पे, क्योंकि हम वही कंडीशनिंग वाली बात है ना, आपने अपने बचपन का किस्सा बताया, तो मैं भी बताऊं कि हम बचपन से भी ना कई चीजें इतनी सुनते हुए आ रहे होते हैं कि हमारे दिमाग में इनग्रेव्ड है। जैसे मैंने बचपन में बहुत सुना है डार्क कलर, कलर के ऊपर ना कि काली रह जाओगी, काली रह जाओगी, काली, मतलब ओहो बहुत सुना है। तो वो एक कॉन्फिडेंस ही बिल्डअप नहीं हुआ कभी, मतलब 10th तक इनफैक्ट स्टेज पे जाने का, क्योंकि आप अपने लुक्स को, एक तो टीनेज में होते भी आप थोड़े वियर्ड से दिख, मतलब वियर्ड क्या, वो एज होती है, ग्रोइंग एज होती है, तो आप थोड़ा करेक्ट डिफरेंट दिखते हो उस समय। तो ऊपर से फिर आप सब जगह से सुन रहे हो कि कलर डार्क है, कलर डार्क है, और फीचर्स शार्प नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आया कि आप स्टेज पे जाके कुछ बोल पाओ। आफ्टर 10th धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, मतलब मैं स्टेज पर जाने लगी। पर मैं सच बताऊं गौरव, अभी भी कोई मुझे बोलता है ना कि वीडियो पे आप ऑडियो करा लो, मुझसे कितना भी कराना है, पर जब कोई वीडियो पे आके बोलता है ना कि नहीं हमें वीडियो पे, या हमें कोई ऐसा यूट्यूब चैनल पे हमें वीडियो के साथ डालना है, आई एम वेरी कॉन्शियस। अब वो कॉन्फिडेंस पूरा है मेरे अंदर कि हाँ, पर वो लुक्स को लेके जो अंदर बैठा दिया गया है ना बचपन से, वो निकलता ही नहीं है। तो ये बहुत बहुत बड़ी, मतलब चीजें हैं जो आप सोचते नहीं हो। अब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं क्यों नहीं है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस, क्यों मैं वीडियो पे, या कोई कुछ बोलता है ना कि कविता पाठ आप वीडियो, सेल्फी वीडियो लेके क्यों नहीं करते हो। आई एम मोर कंफर्टेबल इन वॉइस, कि मेरा फेस ना दिखे, ठीक है, मैं तब ज्यादा उसमें कंफर्टेबल हूँ। कॉन्फिडेंट तो मैं वैसे भी रहूंगी, मुझे पता है कि मैं सामने बिल्कुल भी बोलूंगी तो उतने ही कॉन्फिडेंस से बोलूंगी, पर कंफर्टेबल नहीं हूं मैं वैसे करने में। तो क्योंकि आपको पता है कि आप जाओगे तो सबसे पहले आप लोग आपको लुक से जज करेंगे कि यार कलर अच्छा नहीं है, ड्रेसिंग ऐसी है, भले ही आप जब बात करो तो आपका इंटेलेक्ट या आपकी बुद्धिमत्ता तब आप लोगों के सामने आएगी, परंतु बिल्कुल सबसे पहले आपको लोग वैसे ही जज कर लेंगे। तो बहुत ऐसी चीजें, अब जैसे कई जगह मैंने, मतलब होता है ना कि लेडीज को, जैसे हम लोग वेस्टर्न कपड़े भी पहनते हैं कई बार ना, और बिंदी, जैसे इंडियन मतलब भारतीय संस्कृति में बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जीन्स के साथ भी बिंदी लगाते हैं, हम उस पर भी जज हो जाते हैं कि हाँ जीन्स के साथ बिंदी लगाई है, शी इज नॉट दैट वेस्टर्न, इसका थॉट वैसा नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें ना जो मैंने ओवर द पीरियड फील करी है मेरे साथ खुद भी, और मैंने खुद भी किया, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया, मैंने भी लोगों को जज किया, तो लोगों ने हाँ मुझे जज किया है, और उसका इफेक्ट मैं अपने ऊपर देखती हूँ। तो मैं अपने आप को धीरे धीरे सुधारने की कोशिश करती हूँ कि भाई ये नहीं करना है, इससे फर्क पड़ता है। आपकी वो एक, जिसको बोलते हैं ना, बहनजी वाली इमेज बन जाती है। आप बात तो करो मुझसे, आपने पहले ही सोच लिया कि मैं ऐसी हूं, आपको पता ही नहीं है
आई एम कमिंग फ्रॉम विच बैकग्राउंड, आपको ये नहीं पता है मेरी पढ़ाई कहाँ तक हुई है, आपको ये नहीं पता है किस चीज पर मेरे विचार कैसे हैं, और आई एम दैट पर्सन हु टेक वेरी मच प्राइड इन हर स्टडीज और पढ़ाई ना, मुझे बहुत, भले ही मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं रही हूँ, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाई करना और उस पर, उन सब्जेक्ट्स पर बातें करना या ऐसी बातें करना जिसमें आप आगे उन्नति कर सको, बिल्कुल तो जिससे आपके विचारों की उन्नति हो, आपका लुक इज बहुत अलग है, तो आपका जो अपियरेंस है दैट इज वेरी डिफरेंट, पर आपके विचारों की अगर उन्नति नहीं है तो आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे हो, तो मेरे को बहुत ये चीजें बहुत खली हैं कहीं ना कहीं जिंदगी में, इसलिए मैंने बात सोचा कि इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए कि हम क्यों ऐसे भले ही अब लोगों का दृष्टिकोण चेंज हो गया मेरे लिए कि हाँ जीन्स के साथ बिंदी लगाती है, पर शी इज लाइक शी इज डूइंग समथिंग, कुछ कर रही है बिल्कुल अब, लेकिन जो फर्स्ट इंप्रेशन जो आपको समझ में भी आ जाता है ना कि लोग आपसे बात कर रहे हैं तो आपको पता चलता है कि आप हाँ थोड़े से लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, फिर धीरे धीरे आप उस ग्रुप में अपनी जगह बनाते हो, जैसे आपने अपने ब्लॉग में भी लिखा था अबाउट सम आपके जो कलीग थे जो रोड क्रॉस करने वाला एक इंसिडेंट लिखा था आपने, तो उसमें आपने लिखा था ना कि हमें बड़ा वो लगा कि यार इतना सा रोड क्रॉस करके नहीं आ जाते, हमें 15 मिनट एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा उसके लिए, करेक्ट फिर करेक्ट बाद करेक्ट में करेक्ट आपको उसकी कंडीशन पता चली कि भाई व्हाई समवन वाज बिहेविंग लाइक दैट, तो अगर मतलब मेरा यही कि आप लुक से या किसी ने आपको कुछ कह दिया या वैसे हमें नहीं जज करना चाहिए बिल्कुल भी, बहुत बहुत इफेक्ट करता है सामने वाले की पर्सनालिटी को भी और उसके साइक को भी, क्योंकि आप मैं बता रही, जैसे मुझे याद है कि लोगों के लुक्स कैसे थे जब मैंने ये मैं ये ड्रेस पहन के कहीं गई थी या मैंने फर्स्ट टाइम कहीं एंट्री मारी थी, हाउ द एक्सप्रेशंस वर, तो वो रह जाते हैं आपके साथ कहीं ना कहीं, और उनको आपको मिटाने के लिए अपनी एक जगह बनाने के लिए ना बहुत डबल मेहनत करनी पड़ती है कि बिल्कुल आप इतना आगे कर जाओ, आपको लगता है कि नहीं मुझे इतना करना है कि ये परसेप्शन मैं चेंज कर दूं कि लोग आपके लुक से जज ना करें, तो वो है अब मैं ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो जिंदगी में आपको सिखाती हैं और आप भी सीखते जाते हो, बिल्कुल तो और एक हाँ जी बोलिए या नहीं, मैं बस एक छोटी सी बात ऐड कर रहा था कि जैसे आपने बताया कि रंग को लेके है, तो ये बहुत कॉमन है अपनी सोसाइटी में। तो मतलब मैं तो हम जैसे कहीं भी देखेंगे ना, हर परिवार में आपको एक इंसान तो मिल ही जाएगा, अभी तक मिल जाएगा वो वैसी बातें करते हुए। तो मुझे लगता है कि बाहर तो हम नहीं, एकदम से चेंज नहीं ला सकते, बट अगर आपके घर में बच्चे हैं तो एटलीस्ट उनके सामने आप ना करें तो, क्योंकि वहां से ना वो पूरी लाइफ के लिए हो जाता है, जैसे आपने खुद अपना बताया। तो अगर एटलीस्ट बिल्कुल घर में ना हो तो हाँ, वहां से कॉन्फिडेंस आ जाएगा बच्चे को। बाहर तो चलो फिर वो अलग कहानी है, हम सबको तो चेंज कर नहीं हाँ सकते, हाँ बट अगर घर से वो इतना बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो हो सकता है वो बच्चा फिर आगे जाके बाहर निकल के भी टैकल कर लेगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि हम सोसाइटी तो पूरी एक दिन में बदल नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल, आपने घर की बात की ना तो मुझे मेरी मम्मी की बात याद आती है, वो हमेशा बोलती हैं कि बेटा आपको कहीं जा रहे हो ना तो आप ये मत देखो उसने क्या पहना है वो कैसा दिख रहा है, आप उसके अंदर के गुण देखो क्या आप अपनी जिंदगी में उतार सकते हो, तो बिल्कुल वो एक सीख है ना जो हमेशा मेरे साथ चलती है कि आप मतलब वो शायद अब उस टाइम बचपन में तो ये चीज नहीं समझ में आती कि क्या मम्मी ऐसे क्यों बोल रही है, बट आप जैसे जैसे बड़े होते हो ना तो वो, और सबकॉन्शियस माइंड में ना मम्मियों की बातें चलती रहती हैं आपके, हाँ मतलब वो आपके ऑडियो ऐसा सेट है ना दिमाग में कि आप कुछ करते हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ इस पर क्या मम्मी क्या बोलेंगी, हाँ वो पीछे से जैसे तो मूवीज में आता है बैकग्राउंड में कि बेटा रुको हाँ करो। रुको ये, तो ये दो तीन चीजें हैं जो मेरी मम्मी बचपन में मतलब अभी भी बोलती है, मतलब एक ये चीज कि कहीं जा रहे हो तो ये मत देखो कि उसने क्या पहना है या उसके पास कितने पैसे हैं, वो कौन सी गाड़ी से आया, ये देखो कि उसमें ऐसा कौन सा गुण है जो आप अपने अंदर ला सकते हो, और एक और मेरी मम्मी चीज बोलती है नियत से ही बरकत होती है, तो वो ये दो तीन सीख है ना जो हमेशा जिंदगी में आप साथ लेके चलते हो, और ये जब हम जजिंग की बात कर रहे थे तो मेरे ना एनआरआई फ्रेंड्स हैं तो मैं कई बार उनसे बात करती हूँ ना कि इंडिया होता है ना वापस क्यों नहीं आ रहे हो आप लोग, तो जब बात होती है तो बोलते हैं इंडिया में सब कुछ अच्छा है, अब तो बहुत प्रोग्रेस भी हो गई है, काफी सारी चीजें भी अच्छी चल रही है, बोले सबसे ज्यादा हमें डर लगता है ना इस चीज का कि यहाँ पर ना लिव एंड लेट लिव का कॉन्सेप्ट नहीं है,
मतलब सब ना एक दूसरे को जज ही कर रहे होते हैं कि यार ये ऐसी है, ये वैसा है, ये ऐसा है। और मैंने ऐसे एक नहीं, तीन चार फ्रेंड से ये मैंने चीज सुनी कि बस एक ये जो आप शायद, मैं तो कभी गई नहीं, लेकिन पर शायद वेस्टर्न कल्चर होगा ऐसा कि वहां पे सब अपनी अपनी जिंदगी में मस्त हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। जब मिलते हैं बहुत अच्छे से मिलते हैं, नहीं मिल रहे बिल्कुल हैं तो सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं। तो मुझे ये बहुत लगा कि मतलब ये भी एक रीजन है लोगों का जो पलायन हो रहा है। शायद ये सोसाइटी में इतना ज्यादा लोगों को परेशान कर दिया है इसने, या इससे लोग इतना अफेक्टेड हैं कि ये भी एक रीजन है लोगों का वापस ना आने का। बाकी चीजें तो, फाइनेंशियल तो एक अलग चीज है, फाइनेंशियल पढ़ाई लिखाई वो अलग है, पर जब मैंने ये रीजन पहली बार सुना था ना तो मुझे लगा कि हाँ यार ये तो है, हम इसको इग्नोर कर देते हैं कई बार कि और हम ऐसे हो जाए हाँ ये तो होता ही रहता है, ये हमारी आदत का हिस्सा बन, मतलब जीवन का बिल्कुल हिस्सा बन गया, हाँ ठीक है होता रहता है ये तो। पर बाकी जो यहाँ तो शायद ऐसे ही उसको, हाँ यहाँ तो ऐसा ही चलता है तो वो मुझे बहुत लगता है कि हाँ उस टाइम पे मुझे, तब भी मुझे इस बात का वो लगा था कि यार हम वाकई में बहुत ज्यादा लुक्स को लेके, डायलेक्ट को लेके, ड्रेसिंग अप को लेकर, जब किसी ने बोलना शुरू किया तो आप फट से उसको बोल दोगे अच्छा आप बिहार के हो, अच्छा आप हाँ इस जगह के हो, फट से निकल जाएगा आपके मुंह से ना, आपने पता नहीं वो है कहाँ का। जैसे आप, मैं कई बार बात करती हूँ तो लोगों को नहीं समझ में आता शायद कि मैं किस जगह से हूं, पर हाँ लोग मेकआउट कर सकते हैं कि हाँ इस जगह से होंगे, या हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी कि हम अलग अलग जगह रहे तो हम तो मिक्स्ड हो गए अभी सब जगह से ना। बिल्कुल तो वो भी है कि डायलेक्ट से भी लोग वो कर लेते हैं। अभी आप जैसे बिहारी टोन की ही मैंने बात की ना कि लोग बोलते तो बोलते अच्छा बिहार से हैं क्या, तो हाँ फिर एक वो एक इमेज फट से, आपने ये बोला बिहार क्या, और एक इमेज वो बिहार वाली जो बना रखी है दुनिया ने वही आ वो गई। आपके दिमाग में आ जाएगी, अच्छा ऐसा ऐसा होता होगा, या ये तो पीएससी की तैयारी कर रहा होगा, आईएएस की तैयारी कर रहा होगा जैसे क्या तो कहते हैं, अगर कोई आप यूएस जाओगे तो अच्छा आप इंडिया से हो। अरे इस पे भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो मतलब जो आपने बताया ना ये फैक्ट है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि क्यों एक रीज़न है जो ये लोग बाहर जाना पसंद कर रहे हैं और नहीं वापस लौट रहे। क्योंकि मैं मतलब अभी से तकरीबन 1 डेकेड पहले मैं गया था यूएस 2 बार ऑफिशियल ट्रिप पे, तो 2 2 महीने के लिए। तो उन 2 महीनों में भी ना मतलब काफ़ी चीज़ें बहुत मतलब मेरे को इम्पैक्ट कर गई थी। छोटी छोटी बातें, जैसे अब यहाँ पे हम गाड़ी चला रहे हैं, कोई क्रॉस कर रहा है तो हम उसको मतलब गुस्से में करेंगे कि यार ये कैसे क्रॉस कर रहा है। यूएस में अलग है, हाँ वहाँ पे अगर आप क्रॉस कर रहे हो रोड तो वो लोग पहले ही ब्रेक मार के आपसे 5 फिट दूर रोक लेंगे, स्माइल देंगे कि आप जाओ, फिर हम गाड़ी निकालेंगे। लिफ्ट है, लिफ्ट का डोर आपका होल्ड करके रखना जब तक आप कोई दूर से दौड़ के आ रहा है, बेशक वो बहुत दूर है। इंडिया में क्या होगा, अगर आप लिफ्ट कोई बिल्कुल पास है ना तो फटाफट बंद कर दोगे, नहीं यार चल मैंने हाँ कि तुमको जल्दी पहुंच जाएंगे हम, वो ऐसे ही। 10 सेकंड में पता नहीं हम क्या करने वाले हैं, ऑफिस जाके हाँ या कहीं तो और जाके। वो छोटी छोटी बातें हैं ना वो हैं, और मतलब बहुत इम्पैक्ट उस वक्त मुझे किया था कि जैसे उस वक्त रिसेशन चल रहा था तो वहाँ ले ऑफ हो रहे थे, तो वहाँ जो हमें ट्रेनिंग दे रही थी लेडी वो मतलब इतने अच्छे से फिर भी मिल रही थी, जबकि उनको पता था कि हमें ट्रेनिंग देने के बाद उनकी जॉब चली जाएगी, मतलब उनको बता दिया गया था। बट स्टिल शी वॉज सो काइंड एंड हेल्पफुल कि वो अपने घर में ले जाके अपनी फैमिली इसके साथ डिनर करवा रही है, हमें बारबेक्यू हो रहा है, और उन्होंने कभी ये फील नहीं होने दिया कि ऐसा कुछ है। तो वो इतना अच्छा था कि अभी तक वो टच में है। जो एक आपका एक होता है ना कि जो आपने बिहेव किया जो वो हमेशा साथ रह जाता है, कि कैसे आपने को क्या बोलते हैं ना कि आपने कैसे दूसरे को महसूस करवाया, बाकी चीज़ें तो हम भूल जाते हैं, तो वो चीज़ें भूल हैं जाते वो हैं। कहीं ना कहीं ना हमारे हाँ यहाँ लैक करती हैं। मतलब पहले था कि जैसे हम कहते थे कि अतिथि देवो देवो भव, अब क्या है कि कोई आता है तो हम हाँ पहले सोचते हैं कि नहीं यार कब जाएगा ये, तो वो वाला कल्चर भी हो गया है। हाँ चेंजेस तो बहुत सारे आए हैं, बहुत सी अच्छी चीजें भी हैं हमारे जी। सोसाइटी में या हमारी संस्कृति में जो हम अगर फॉलो करते रहें तो शायद हम पहले भी थे सोने की चिड़िया, तो अब हमारी संस्कृति उतनी आगे थी तो हम वो भी अगर हम फॉलो करते रहें तो, पर वो जी जो एक जनरल एटीट्यूड हो जाता है ना, और वो मतलब ह्यूमन नेचर है, इट्स नॉट लाइक हाँ कि हाँ संस्कृति में कोई खराबी है, पर वो ह्यूमन नेचर है बिल्कुल कि इसकी वजह से जो अनकॉन्शियस बायस की हम जो बात कर रहे थे वो हो जाता है। अब बोलते हैं ना कि हम बिफोर जजिंग समबडी आप उनके शूज पे पहन के थोड़ी देर चलो तो शायद आप भी वैसा बिहेव करने लगो। तो जैसे अब आप
कोई ऐसे किसी ऐसी जॉब में है जो उसका डेली पब्लिक इंट्रैक्शन है, तो वो पूरे दिन काम नहीं रह सकता वो व्यक्ति। आपको लगेगा कि करेक्ट कितना झला के बात कर रहा है, कितना गुस्सा कर रहा है वो व्यक्ति। पर आप उसकी कंडीशन भी सोचो कि वो दिन में हजारों लोगों से मिल रहा है और हर व्यक्ति अलग है। हर व्यक्ति, अब कोई अच्छे भी होंगे तो कुछ ऐसे भी होंगे जो अपना अपनी भड़ास उनके ऊपर निकाल के जा रहे होंगे, तो वो पूरे टाइम वो व्यक्ति काम नहीं रह सकता है। वो कहीं तो वो भी अपना बर्स्ट आउट होगा ना। तो हमें लगता है कि ये कितना रूड है। हमारी मीटिंग उसके साथ ही, उसने तब हमारे साथ ऐसा बिहेव किया कि रूडली बात करी, तो हमने वो उसकी इमेज ही बना ली कि ये तो ऐसे ही है, ये तो रूड ही बात करेगा, इसके पास नहीं जाना। पर हम अगर हम देखें उसके पीछे का, कि वो पूरे दिन में इतने लोगों से मिल रहा है, इतने तरह के लोगों से मिल रहा है और इतने तरह के रिएक्शंस को झेल रहा है, उसका भी एक होता है ना, सबर का बांध होता है, एक पेशेंस लेवल है कि हाँ एक टाइम के बाद शायद वो भी इरिटेट होना शुरू हो जाए। बिल्कुल तो ये एक है कि हमें अगर किसी को हम जज कर रहे हैं तो हमें पहले उसके शूज पहन के थोड़ी देर हम सोचे, अपने आप को इमेजिन करें कि अगर मैं इस कंडीशन पे होता तो मैं कैसे रिएक्ट करता, तो शायद आधी तकलीफें आधी चीजें वहीं सॉल्व हो जाएंगी। और मुन्ना भाई मोमेंट हो जाता है, जैसे वो था ना कि जादू की झप्पी वाला, कि वो हाँ चिड़चिड़ा होता है, वो सफाई कर रहा होता है जो अंकल होते हैं, और हाँ फिर वो कहता है कि, हाँ तो वो तो है, हर वो हर जॉब में है ही, जॉब तो में है फैक्ट है बिल्कुल। और वही। अब तो और इतना इजी हो गया ना, लोग व्हाट्सएप की डीपी, व्हाट्सएप के स्टेटस, उससे भी जज कर लेते कि इसकी जिंदगी में कुछ खराब चल रहा है। मतलब आपने कुछ मोटिवेशनल कोट लगाया या कुछ दुखी, आप दुख भरा शेर डाल दिया या समथिंग लाइक दैट, तो लोगों को लगेगा कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। एंड यू विल गेट सम क्वेश्चंस ना, क्या है, सब ठीक है, किसके बारे में लिखा था ये, किसने तेरे को परेशान परेशान कर दिया। सीरियसली तो इट्स नॉट लाइक दैट। हो सकता है वो 4 लाइनें अच्छी लग गई उस समय पे, जरूरी नहीं है हमारा माइंडसेट उस टाइम पे वो हो, वो एकदम से कोट निकला सामने से, अच्छा लगा, हमने शेयर कर दिया, खत्म। तो वो है, और बहुत होता है ये तो, मतलब व्हाट्सएप वाला तो बहुत ही कॉमन है। हाँ, ये अभी आपने बताया तो मैं सोचने लग रहा हूँ कि हम भी कितना जज करते रहते हैं ऐसे व्हाट्सएप स्टेटस देख के। पॉइंट हाँ है बिल्कुल बिल्कुल, हम ना हर चीज को सही गलत में ही देखना चाहते हैं, मतलब बिल्कुल अच्छा बुरा, बीच का हमारे पास ना वो नहीं है, ग्रे एरिया जिसको बोलते हैं ना, कि हर चीज हम, या तो कोई व्यक्ति हमने देखा तो हमने बोला हाँ ये बहुत अच्छा है, या तो ये बहुत बुरा है, बीच का भी तो कुछ हो सकता है ना, हमें उस तरह से भी सोचना चाहिए। और एक और चीज में जो मैं था, मुझे बहुत, मतलब मैं अभी इंस्टाग्राम पर ही मैं किसी का इंटरव्यू देख रही थी, इज अ लाइक वेरी फेमस एक्टर ना, उन्होंने भी मतलब यही चीज बोली कि मेरे घर में जब लोग मुझ मतलब जब नहीं आए थे घर में, जब मैं इतना बड़ा एक्टर नहीं था, जब वो मेरे घर में मेरे दोस्त आए, कहते उन्होंने मेरी घर की कंडीशन देख के, अरे तेरे को देख के लगता तो नहीं है कि तेरा घर ऐसा हो। विक्रांत मैसी जो अभी तो 12th फेल ये वाले हैं, मतलब राइट, उन्हीं का हाँ, शायद विक्रांत इंटरव्यू है। मैसी, राइट हाँ। राइट राइट विक्रांत, हाँ। तो और उन्होंने ये भी उसमें बोला है कि मेरी माँ ना खाना बहुत अच्छा बनाती है, मैंने उनको खाने पे बुलाया था अपने दोस्तों को, तो वो खाना खाने से पहले ही लोगों का एक इम्प्रेशन ना घर को देख के, कि मेरे घर में प्लास्टिक की चेयर्स हैं, और वो, और खाने तक तो बात, मतलब खाना तक तो पहुंचा ही नहीं कि खाना अच्छा बना है नहीं बना है, उसकी किसी ने उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी घर की, घर को लेके चर्चा हुई। तो बिल्कुल ये जो है ना, कि हम जो सोच लेते हैं कि तेरे को देख के तो ऐसा लगा नहीं था कि तेरा घर ऐसा होगा, या अगर आप किसी के घर गए हैं, या मतलब आपने उस जो चीज अच्छी है उसका तो जिक्र ही नहीं हुआ, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही नहीं गया, जो चीज बुरी है ना हम उस पर इतना ज्यादा ध्यान केंद्रित कर देते हैं कि सारा डिस्कशन उसी के आजू बाजू घूमता रहता है हमारा, कि ऐसा बहुत होता है, और स्पेशली गर्ल्स के साथ तो बहुत ही होता है। मैं थोड़ा बायस्ड होके बोल रही हूँ ये, क्योंकि क्या होता है ना, लड़कियां चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कुछ भी हो, सब कुछ, मतलब उन्होंने अपने फील्ड में दे आर डूइंग वेरी गुड, पर उनको जज किस तरह से किया जाएगा, अरे इसको पॉलिटिक्स की जानकारी नहीं है, मतलब शी इज नॉट अवेयर कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। बट क्या आपको अवेयरनेस है कि वो जिस चीज के, जिस टॉपिक पे उसकी एक्सपर्टीज है, या वो जिस टॉपिक के बारे में बात कर रही है, या जिस टॉपिक के बारे में वो जानती है, क्या आप उस टॉपिक के बारे में जानते हो? नहीं ना। तो
ऐसा अब हमारे जैसे रिवाज है कि लड़कियों को देखने जाते हैं ना फॉर द मैरिज प्रपोजल एंड ऑल, तो लड़कियों को जब आप देखने जाते हो सबसे पहले आप लुक्स पर ही जाते हो, वो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई जॉब वो तो सब सेकेंडरी हो जाता है, सबसे पहले सुंदरता देखी जाती है। और इट्स नॉट अबाउट गर्ल्स, बॉयज के साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स के साथ होता है, बॉयज के लिए भी होता है। पर बॉयज के लिए जैसे बोलते हैं ना घी का लड्डू आढ़ा टेढ़ा भी हो तो भी चलेगा, एक कहावत है, बिल्कुल तो है ये बोला जाता है कि बट तो वो है कि आप वो तो देखो उस बच्ची ने कितनी पढ़ाई की है, वो अपने मतलब वो उसका कॉन्फिडेंस ही चला गया जब आपने उसको रिजेक्ट कर दिया ना उसके लुक्स पर, तो उसने जितना कुछ अपनी जिंदगी में अचीव किया है, थोड़ा बहुत भी किया या बहुत ज्यादा भी किया, जो भी किया है उसने अपनी मेहनत से किया है ना, तो उसका तो कॉन्फिडेंस ही चला गया कि वो भले ही उसने पीजी में या ग्रेजुएशन में अपनी पढ़ाई में शी वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट, पर आपने तो उसको उसके लुक्स पे रिजेक्ट कर दिया कि नहीं वो तो थोड़ी मोटी दिख रही थी, नहीं उसका कलर थोड़ा दबा हुआ था। तो उस व्यक्ति का उस लड़की का तो कॉन्फिडेंस ही चला गया, उसको लगा है मैं तो मेरी जिंदगी तो कलर से ही जज होनी है, मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई है जो करी है इसका मतलब क्या है। और ऐसा बहुत अब लड़कों को जैसे सरकारी नौकरी पर होता है ना कि सरकारी नौकरी बिल्कुल नहीं है इसके पास, ये बहुत कॉमन है ये चीज कि ठीक है उसने भी अपनी जिंदगी में जो कर रहा है, नहीं मिली सरकारी नौकरी नहीं मिलती सबको, पर जो वो कर रहा है अपनी जिंदगी में वो अपने बलबूते पे कर रहा है, अपनी मेहनत से कर रहा है, और ही शुड बी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, और दूसरों को भी लगना चाहिए हाँ यार ये यहाँ भी पहुंचा है, अपनी मेहनत से पहुंचा है। उसको तो देखो पहले ही आपने देखा कि अच्छा सरकारी नौकरी नहीं है तो इसके घर ही नहीं जाना, हमने देखना ही नहीं है इसको, वहीं या रिजेक्ट कर हमसे दिया। इस परिवार से मिलना ही नहीं है। तो हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो हम ऐसा सोच मतलब हमारी सोच वैसी हो गई है कि ऐसा कंडीशनिंग ऐसी है ना, तो कई चीजें हमें बहुत सी इम्प्रूव करने की जरूरत है हमारे अंदर भी। जैसे मैं एक और इंसिडेंट बताऊंगी कि मैं एक बार ट्रैवल कर रही थी और मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी, तो मुझे ना एक बहुत भीड़ थी उस टाइम पे, कुछ त्योहार था और स्टेशन पे बहुत भीड़ थी, तो मैं खड़ी हुई थी, ट्रेन आई नहीं थी, मेरी बाजू में एक व्यक्ति आके खड़े हुए और वो एक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लग रहे थे लुक वाइज भी और उनके ड्रेसअप से भी। तो आपकी कंडीशनिंग जिसको बोलते हैं ना, आप न्यूज पढ़ पढ़ के या इतना देख देख के आप मतलब एकदम से ना पता नहीं क्यों मैं डर गई। उन्होंने कुछ नहीं किया था, वो सिर्फ आके, वो भी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे जैसे मैं इंतजार कर रही थी, वो आके सिर्फ खड़े हुए थे मेरे बाजू में कि अब ट्रेन आएगी तो हम चढ़ जाएंगे, और मैंने ना थोड़ी दूरी बना ली उनसे कि नहीं मुझे सेफ रहना है, और फिर हम और सिर्फ सिर्फ उनकी ड्रेसअप को देख के कि बिल्कुल शायद ये मुझे हार्म पहुंचा सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, दूर दूर तक ऐसा कुछ भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ था कि उन्होंने कुछ ऐसा किया हो कि मुझे डर डर लगे उनसे, पर सिर्फ मैंने उनका ड्रेसअप देखा और मुझे लगा कि नहीं मुझे इनसे खतरा हो सकता है। और संयोग की बात थी कि वो सेम कोच में थे, तो किसी चीज के लिए मुझे रात में किसी चीज की जरूरत पड़ी या मुझे उठ के जाना था किसी काम से, तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से बोला दीदी आप जाइए मैं आपका सामान देख लूंगा कोई तकलीफ नहीं। तो फिर मुझे लगा कि यार हम क्यों करते हैं ऐसा, क्यों किसी के बारे में ऐसा सोच लेते हैं, और ऐसा नहीं हम सिर्फ गलत ही सोचते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि हमने किसी को देख के अपनी राय बना ली कि नहीं ये बहुत अच्छा है या ये बहुत अच्छी है, क्योंकि ये पहली बार तो मुझसे बहुत अच्छे से मिले थे, बिल्कुल फिर उन्होंने मेरी इस पे भी मदद करी, पर आगे जाके वो हमारा अनुभव उनके साथ या उनका उनके जीवन में उनके जो लोग हैं उनके बारे में अनुभव गलत निकले, या उनका जीवन में परिस्थितियां कुछ ऐसी आई कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया या उनके व्यक्तित्व का एक अलग पहलू गलत पहलू सामने आया। तो बिल्कुल ऐसा भी होता है कि हम सिर्फ गलत ही नहीं सोचते, कई बार हम किसी के बारे में बहुत अच्छी धारणाएं भी बना लेते हैं पर वो बाद में गलत प्रूफ हो जाती हैं। तो हम ये जो जज करते हैं या किसी को या किसी के बारे में अपनी धारणाएं बना लेते हैं ना, वो हमारे मीटर पर आधारित होती हैं, हमने अपना मीटर बना रखा है जो कि हमारी अपब्रिंगिंग, हमारे परिस्थितियां, हमारे परिवार या हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं उस पर काफी कुछ निर्भर करता है, उस मीटर पर ही हम दूसरों को भी जज करते हैं जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबकी परिस्थिति, सबका अपब्रिंगिंग या सबके परिवार की स्थिति सबका अलग अलग है, एवरी वन इज यूनिक, तो हमें वो थोड़ा सा समझ के चलना चाहिए, इंक्लूसिवनेस जिसको बोलते हैं ना, हमें वसुधैव एग्जैक्टली कुटुंबकम जैसी भावना
तो वो एक बहुत जरूरी है लेके चले, और जरा इतनी सी समझदारी बस की जरूरत है, तो शायद बहुत से जो क्लैशेस होते हैं ना उनमें बहुत शायद आराम बिल्कुल मिल सकता है। बिल्कुल, जो अपने इंसिडेंट जो बताया आपने कि जो एक आपको लगा जो ट्रेन में आप अभी जो ट्रैवल कर रहे थे, तो वो वैसा ही एक इंसिडेंट अभी मैंने खुद सुना। अभी मेरा एक कज़िन आया हुआ था तो हम बात कर रहे थे, तो उसने भी एक कम्युनिटी स्पेसिफिक के लिए बोला कि नहीं मुझे थोड़ा सा ना अजी अनकंफर्टेबल होता है, जैसे मैं बस में ट्रैवल करता हूँ तो अगर कोई साथ बैठ जाए तो मैं नहीं बैठ सकता। तो हमने ऐसी बात की कि भाई क्या क्या रीज़न है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है या कुछ है, तो कह रहे नहीं ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, बट मुझसे होता ही नहीं है वो, मैं हट जाऊंगा वहाँ से ना, कहीं और बैठ जाऊंगा। तो फिर ऐसी बात चलती रही, तो फिर वो निकल के वही आया कि वो बचपन से ही उसके दिमाग में कुछ ऐसा है। तो मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि अच्छा एक बात बता कि अगर वो नहीं, अगर कोई आके बैठ जाता है और वो तुझे ना बताए, और या उसके बोल चाल या कपड़ों से या किसी भी तरीके से तुझे ना पता हो कि वो किस पर्टिकुलर कम्युनिटी का है या कहाँ का है, तो फिर तो मतलब तब तो उठ के जाएगा या साथ में बैठ के ट्रैवल कर लेगा? कह रहे तब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मतलब इंसान तो वही हाँ रहेगा। तो ये तो दिमाग, हाँ सब दिमाग का खेल है, इसको थोड़ा सा मतलब इस पे हाँ काम करना पड़ेगा कि नहीं ऐसा नहीं है। तो वो ऐसा है, हम नहीं वो सबकॉन्शियसली इतना ज्यादा फीड हो जाता है धीरे धीरे कल्चर की वजह से कि निकालने में टाइम लगता है हमें। जैसा कि आपने टाइम कहा कि लगता है। क्लैशेस बहुत कम हो सकते हैं, तो वो तो फैक्ट है, और वो हर कम्युनिटी में हो रहा है, हर कंट्री में हो रहा है। जैसे हम वेस्ट की बात करते हैं तो वेस्ट में भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने भी इंडिया के लिए या फिर ईस्ट के लिए बहुत अच्छा एक इमेज बना के रखा है। मतलब मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि वो उनको ऐसा लगता था उस टाइम पे, अब पता नहीं कैसा है इस वक्त, वो अभी जो करेंटली हैं वो बता सकते हैं, बट जो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि वो बिल्कुल कट आउट थे वर्ल्ड से, स्पेशली यूएस में जो लोग थे, कि उनको पता ही नहीं था कि इंडिया में क्या होता है। उनको लगता था अभी भी वही जो सपेरो वाला देश है या फिर जो हाथियों पे चल के घूमते हैं, और ये फैक्ट है। मतलब मैंने मतलब बैठ के कलीग्स के साथ बात की, और कई बार उनको मजाक में मैंने ऐसी ऐसी मतलब जो मनगढ़ंत कहानियां सुना दी कि नहीं, बस में ना गाया के चढ़ जाती है और वो भी ट्रैवल करती है हमारे साथ, तो वो उसको मान गए, देवर सरप्राइज कि अच्छा ऐसा भी होता है, जबकि मैं मजाक कर रहा था सरकास्टिकली। तो उनके दिमाग में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं गलत, तो वो तभी खत्म हो सकता है कि जब थोड़ा सा अवेयरनेस हर जगह से हम लाना शुरू करें दूसरों के लिए, थोड़ा बिल्कुल सा बिल्कुल डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट हाँ करना शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अपने आप से ही शुरू होगा, मतलब हम सबका जिम्मा तो नहीं ले सकते या सबको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ऐसी अपेक्षा रखना भी गलत होगा कि हाँ बिल्कुल कि सबको हम सुधार सकते हैं। पर अगर हम सिर्फ अपने आप को भी अगर हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें, अपने थॉट प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज ला दें, तो काफी सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। जी, जैसे कि कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं, जो मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि सबसे जो बेसिक चीज़ है ना, वो एक एक्टिव लिसनिंग है। हम आजकल सुनना नहीं चाहते, हम सुनने से पहले बस जवाब देने के लिए सुनते हैं कि अच्छा नित्या ने भी ये बोला है, और मैं कई बार आपको लगा होगा ना कि मैं कट कर रहा हूँ, तो वो भी एक अंदर से आता है कि नहीं यार कट कर दो, ये बोल दो, जबकि कायदे से होना ही चाहिए कि हमें सुनना चाहिए। बैठ के सुनेंगे तो फिर अंडरस्टैंडिंग अपने आप बनती है, हम सामने वाले को सुनते ही नहीं है। और दूसरा है कि बिल्कुल डिस्कशंस होनी चाहिए, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें निकल के आएंगी जो आपके लिए नहीं होंगी, जो या फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगेगा कि नहीं ये तो मैं सीख सकता हूँ नित्य से। फिर प्लस जो हमारी बात सुनेंगे उनको भी फिर वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब एक तो एक्टिव लिसनिंग या डिस्कशंस करने से, या फिर सामने वाले को समझना है तो थोड़ा एम्पथी से उससे थोड़े सवाल करो, मतलब जानने की कोशिश करो, ये नहीं कि बस एक इमेज बना ली और फिर ठीक है उसको शट डाउन कर दिया। तो ये तीन चार चीज़ें मुझे लगता है कि करनी चाहिए। प्लस एक इसके अलावा एक एग्जांपल अगर मैं शेयर करूं जल्दी से, तो जैसे आपने शादियों के बारे में कहा कि हम ऐसे जज करते हैं, तो दोनों तरफ से होता है, लड़कियां भी ये सोचती हैं कि इतना पैकेज होना चाहिए तभी करेंगे, या फिर इस प्रोफाइल में होना चाहिए तभी करेंगे, और लड़कों का भी वैसा है। बट हाँ वो ले दे कि जो पहला इम्प्रेशन वो जो फोटो वाला होता है या मिलने वाला होता है, मतलब लुक्स के अराउंड वो तो रहता ही है, और वो बाई डिफॉल्ट है ही। तो अगर मैं एग्जाम्पल बताऊँ तो जैसे हम लोग जो हमारी शादी हुई थी वो मैट्रिमोनियल साइट के वहाँ से शुरुआत हुई थी मिलना हमारा, तो उसमें ये हुआ था कि जब मैंने फर्स्ट टाइम फोटो देखी अपनी वाइफ की, मेरा अभी भी हम लोग मजाक करते हैं इस बात पे कि मैंने मुझे लगा यार थोड़ी सी नकचढ़ी है,
जो हम एक टर्म यूज करते हैं नकचड़ी टाइप, हाँ, क्योंकि वो थोड़ा सा लुक से वैसे आ रहा था, क्योंकि जो भी फोटो उसने हाँ, डाली होगी, तो फिर मेरे को लगा हाँ, नहीं यार ये तो फिर थोड़ा सा एरोगेंस वाला चीज आ जाएगी, तो कहाँ ही हम हाँ, बात करेंगे। बट उसके बाद जब एक बार करनी बात शुरू की और जो भी आगे प्रोसेस रहा, तो फिर समझ में आया कि जो फर्स्ट इम्प्रेशन वाली बात ना बिल्कुल हमेशा सही नहीं होती है और पॉजिटिव नहीं नहीं कच्चा होता होती, है। तो वो अब हम बिल्कुल उसको बिल्कुल लेके अभी भी मैं बार बार यही बोलता हूँ, तो फिर उसका जवाब अलग ही आता है, वो फिर अलग ही कहानी है। तो बट है ऐसा। और वही आपने जैसे बोला ना कि डिस्कस करने से हम क्या करते हैं ना, हम बातचीत करते हैं वो वाद विवाद पे ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, संवाद हाँ कहीं खो जाता है उसमें, तो बिल्कुल संवाद जारी रहे वो ज्यादा जरूरी है, संवाद वाद विवाद ना बने, मतलब हर चीज में हम ये ना कि सही गलत ना निकाले, डिस्कशन करने से बहुत सी चीजें खुल के सामने आती हैं, और हमारा भी इस डिस्कशन का उद्देश्य यही है कि हमें पता चले कि हाँ ये चीजें हैं, ये हम कोई भी जानबूझ के नहीं कर रहा है किसी को भी, मतलब बिल्कुल कोई किसी मतलब बोलते ना जबरदस्ती नहीं है, कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है कि हमें करना है, पर वो इतनी हमारे आदतों में इतनी शुमार हो चुकी है ये चीजें कि हमें पता भी नहीं चलता और हम अननोइंगली कर रहे हैं ये चीज। बिल्कुल। और ज़रूरी भी नहीं है कि हमें कोई डिस्कशन को कई का कोई कंक्लूजन निकाल के लाना है। ऐसा नहीं है ना कि हम डिबेट कर रहे हैं और हमें एंड में किसी को जीतना है। हम जो डिस्कशन हाँ को ओपन एंडेड भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हम एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम कहीं पे जाके ही इसको कोई कंक्लूड करें कि अच्छा ऐसा ऐसा एक्स वाई जेड। हम बिल्कुल इसको ओपन एंडेड छोड़ सकते हैं। जो डिस्कशन हुआ है वो भी तो, उसकी भी तो वैल्यू है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि, और हाँ वो बिल्कुल वाद बिल्कुल विवाद तब आती है जब हम जीतने के लिए बात करना शुरू करते हैं कि नहीं मैं ही सही हाँ हूँ या तुम ही सही गलत हूँ हो, वो गड़बड़ हो जाती है बिल्कुल बात। सही बिल्कुल गलत हटा के बस हाँ नॉर्मल एक डिस्कशन करो, ताकि अपना दिमाग भी खुले और सामने वाले को भी कुछ सीखने को मिल जाए। बिल्कुल 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 सही तो है ये तो है, और ये बहुत मतलब वही टू साइडेड स्वॉर्ड जो कहते हैं ना, कि हाँ दो धारी तलवार है। कई बार जैसा कि आपने भी अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि कई बार ऐसा होता है कि जो अच्छे हमें पहला एक्सपीरियंस अच्छा होता है, वो बाद में उतने अच्छे नहीं होते और वाइस वर्सा। तो अक्सर ऐसा भी होता है जो लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा ही शो कर रहे हैं, तो वो एक हमारी ह्यूमन टेंडेंसी भी तो है ना, कि हम पहले मिलेंगे तो हम अपना जो सबसे बेस्ट है वही दिखाएंगे, अपना वर्स्ट जो वही है वो तो हम दिखाएंगे। छुपा के रखेंगे। तो इसीलिए फर्स्ट इंप्रेशन पे जज करना, तो मतलब मेरे हिसाब से थंब रूल तो यही होना चाहिए कि हमें करना ही नहीं चाहिए। अच्छा बुरा छोड़ो, नहीं करना ही चाहिए। नहीं चाहिए, वो चाहे अच्छे सेंस में या बुरे सेंस में। क्योंकि हम 80% चांस है कि हम गलत ही जाएंगे, क्योंकि सामने वाला जो इंसान है वो अपना सही रूप नहीं दिखाएगा हमें, वो अपना बेस्ट दिखाएगा जिसमें से वो आधी चीजें छुपा लेगा। जी, यह अनुभव से ही आता है कि हमें नहीं लोगों के बारे में धारणाएं बनानी चाहिए, तो एक उम्र के बाद ही हम धीरे धीरे सीखते हैं, तो इस पर ही एक कविता लिखी थी तो वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। कविता का शीर्षक है एक उम्र के बाद। एक उम्र के बाद हम नहीं रहते, हम नहीं रहते वह आसमां जो हम होना चाहते थे, बन के रह जाते हैं रत्ती भर दुखों की जमीन, प्रेम से भरा आंगन, फिक्र से बनी बैठक और अनुभवों की दीवारों का कमरा। हम नहीं रहते वह कविता जो हम होना चाहते थे, खो जाती है हमारी भाषा, हम बन जाते हैं वह उपन्यास जो सिर्फ बखानता है प्रारब्ध के रास्ते में मिले पदक, कसकता है उन क्षणों में जिन्हें वह समय से चुरा नहीं पाया। एक उम्र के बाद हम बन जाते हैं छूटे हुए हाथों की लकीरें, बीते हुए उन लोगों की परछाई जो पूरी तरह जाने के बाद भी हम में थोड़ा सा बाकी रह गए। एक उम्र के बाद हम नहीं रहते, बन जाते हैं अनुभवों का कमरा, यादों का उपन्यास और बिछड़े हुए लोगों की जूठन। बहुत सुंदर। और ये जो हमारा टॉपिक है जिसपे हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके लिए भी एप्ट है, क्योंकि एक उम्र के बाद हमारा बदलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जो हमारे बायसेस हैं या हाँ फिर जो हम
जो भी हमारे हमने जो भी अब एक परत चढ़ा ली होती है ना एक्सपीरियंसेस की, तो वो उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हाँ कि अगर वक्त रहते हम अपने आप को थोड़ा सा सुधार लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, जो हम बिल्कुल। अपने और जो एक दूसरा पहलू ये भी है कि एक उम्र के बाद ही हमें समझ आती है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हाँ अनुभव हो जाता है ना हमें, ये भी तो बिल्कुल उसके बाद ही हमें ये समझ में आता है कि अभी तक ये करते आ रहे थे शायद ये ऐसा नहीं, ऐसे करें तो ज्यादा सही रहेगा। तो दोनों पहलू को अगर दोनों हम पहलू देखें तो बिल्कुल। दोनों ही सही हैं। पर इस पहलू से मुझे याद आया नित्या, कि जब अभी हम बुक्स पे थोड़ा सा लौटते हैं इससे पहले कि हम हाँ कंक्लूड करें, जैसे आपने पब्लिशर्स वाला एग्जांपल बताया था, तो कुछ टाइम पहले अभी कुछ दिनों पहले एक पॉडकास्ट है अनुराग माइनस वर्मा का, AMV पॉडकास्ट, तो उसमें बुक्स पब्लिशिंग के ऊपर डिस्कशन था एक एपिसोड में अभी रिसेंटली। तो उसमें भी यही था कि एक पब्लिशर हैं तो उन्होंने अपने शेयर किए थे, तो उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि इतनी एंट्रीज आती हैं, मतलब इतने सबमिशंस आते हैं कि ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि वो सब कुछ ढंग से चेक किया जा सके। तो वो जो पब्लिशिंग जो पब्लिशर्स जो होते हैं उनके ऊपर भी एक अलग लेवल का प्रेशर है। तो अभी जैसे हम हाँ तो जो लिखने वाले तो सोच लेते हैं यार ये लोग बिना पढ़े ही जज कर देते हैं या फिर रिजेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल बट होता ये है हाँ कि उनकी जो है कहानी वो अलग ही है, मतलब उनके लिए पॉसिबल ही हाँ नहीं है। तो उनका वो मतलब ही वॉज अग्रीइंग कि जो प्रोसेस है वो फ्लॉड है, बट वो है वैसा ही है, और उसी में से अच्छे राइटर्स भी निकल के आते हैं। बट बहुत मतलब बिल्कुल एंट्रीज आती हैं बहुत ज़्यादा। तो आई वुड रिकमेंड जो पब्लिश करवा रहे हैं या कर मतलब इंटरेस्ट रखते हैं बुक्स बुक पब्लिशिंग में या लिखने में, तो उनको वो एपिसोड अनुराग माइनस वर्मा का जो है पॉडकास्ट वो सुनना चाहिए। काफ़ी इनसाइट्स थे उसमें कि आजकल क्या चल रहा है बुक पब्लिशिंग में, कौन सी बुक्स चल रही हैं उस तरीके की। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया, तो ये पहले हम अपने अपने ऊपर ही लाते हैं कि एटलीस्ट बीइंग हाँ राइटर्स हम पब्लिशर्स को जज ना करें, उनकी भी जो उनका हाँ पेन है वो थोड़ा समझें। तो मैंने सोचा ये थोड़ा सा बताना बिल्कुल। ज़रूरी है, आपसे बात करते करते वो दिमाग में आ रहा था मेरे कि उनकी साइड ऑफ नहीं, और स्टोरी मैंने क्या भी है। शिकायत की है इस बारे में, इस अभी हमारी बात हुई है इस बारे में कि उन्होंने बिना पढ़े कैसे जज कर लिया कि मैं अच्छा नहीं लिखती हूँ। तो बिल्कुल मुझे सच में ये शिकायत थी, पर अभी आपकी ये बात सुन के मुझे भी समझ में आ रहा है कि हाँ उनके ऊपर भी तो कितना, उनके पास भी तो कितना काम है। सिर्फ एक एक मैं ही राइटर तो नहीं हूं ना उनके पास। तो वो उनके कहने का तरीका ये था कि भाई अभी आप थोड़ा और काम करो, हमने आपका नाम नहीं सुना है, आप थोड़े दिन बाद आना, शायद ऐसा होगा, जी। और हो तो सकता है ठीक कि है। जो हो सकता है कि जिसने पढ़ा हो वो खुद अभी इंटर्न हो, उसको उतनी नॉलेज भी ना हो, हाँ ये भी पॉसिबल है। क्योंकि हाँ मोस्टली जो ये नए भी राइटर्स का पॉसिबल है। वो जो सीनियर एडिटर्स या पब्लिशर्स होते हैं वो नहीं खुद से चेक करते, वो अलग चैनल्स होते हैं, और जो हाँ बेसिकली जो एंट्रीज आती हैं वो इंटर्न्स देखते हैं, जो उन्हें खुद ही अब उतना एक्सपीरियंस नहीं बिल्कुल होता, उनको फिल्टर आउट करना होता है। तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल मुझे नहीं पता था, हाँ तो वो पॉडकास्ट सुना तो समझ में आया, तो वही ये डिस्कशंस इधर की उधर कहीं से सीख के ही डिस्कशन समझ समझ में आती है बातें। बिल्कुल। मेरी शिकायत भी दूर हो गई आपकी इस बात से अब। नहीं आप खुद खुद सुनना और खुद डिसाइड करना, ऐसे हमें जज मतलब खुद से वो नहीं करना चाहिए, किसी की सुनी सुनाई हाँ बातों पे जी भरोसा नहीं बिल्कुल करना चाहिए। हो सकता है मैं हाँ बायस्ड जी हूँ और कुछ और बता रहा हूँ आपको, तो आप हाँ खुद हाँ सुने हाँ और हाँ बिल्कुल डिसाइड बिल्कुल करें। पक्का सुनूंगी मैं। जी ओके जी तो जी नित्या, इसके अलावा जो मैं थोड़ा सा टच करना चाहता था, मैंने आपको पहले बताया स्टार्टिंग में बताया था जब आपने ज्वाइन किया, कि आपकी जो दो बुक्स आई हैं जो ट्रांसलेटेड हैं वो अभी दिल्ली बुक फेयर जो प्रगति मैदान में था वहाँ पे हुई थी अभी लॉन्च, तो उनके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें ताकि जो इंटरेस्टेड हों पढ़ने में हिंदी स्पेशली वो जा हाँ सकें और ले सकें, तो थोड़ा सा अगर आप उनके बारे में बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अभी दो बुक अनुवादित की थी। जो अंग्रेजी की किताबें हैं उसको हिंदी में अनुवाद किया था, जिससे वह ज्यादातर पाठकों तक पहुंच सके। अंग्रेजी संस्करण का नाम है द सागा ऑफ अ ब्रेव हार्ट लेफ्टिनेंट कर्नल अजीत वी भंडारकर शौर्य चक्र, और द मेकिंग ऑफ वीर नारी, चक्कू द मेकिंग ऑफ वीर नारी। ये दो किताबें थी जिसका हिंदी में अनुवाद आया है, एक शूरवीर की अमर गाथा लेफ्टिनेंट कर्नल अजीत वी भंडारकर शौर्य चक्र, और शकु साधारण से वीर नारी तक। ये दो किताबें हैं जो अभी हाल ही में 17 फरवरी को विश्व पुस्तक मेले दिल्ली में इनका विमोचन हुआ है। और ये दोनों ही किताबें एक फौजी जिंदगी के बारे में, एक
अधिकारी की जिंदगी के बारे में, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते लड़ते जो वीरगति को प्राप्त हुए थे उनकी कहानी है, और जो दूसरी किताब है वो उनकी अर्धांगिनी की कहानी है, जो उनके जाने के बाद उन्होंने कैसे अपने अपने जीवन साथी को खोने के बाद या उनकी वीरगति के बाद उन्होंने किस तरह अपने दोनों बच्चों को बड़ा किया, उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और फिर उनके दोनों बच्चों ने भी सेना में अपनी सेवाएं देने का निर्णय लिया, और दोनों ही बच्चे सेना में अधिकारी हैं। तो ये उनकी यात्रा की कहानी है, और दोनों ही कहानियां बहुत ही प्रेरक हैं। आपको जो भी थोड़ा बहुत भी दिलचस्पी रखते हैं सेना के जीवन के बारे में या जानना चाहते हैं सेना के जीवन के बारे में, उन्हें पक्का पढ़नी चाहिए ये किताबें। तो उन्हें पक्का समझ में आएगा कि एक सैनिक अधिकारी के साथ साथ एक या एक सैनिक के साथ साथ उनका परिवार भी किन कठिनाइयों से गुजरता है, और कितना मुश्किल है यह निर्णय लेना अपने जीवन साथी को खोने के बाद सेना में, कि मेरे दोनों बच्चे भी देश सेवा के लिए सेना में जाएंगे। एक बिल्कुल मदर के लिए, एक माँ के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय है ये। तो ये दोनों किताबें उसके बारे में हैं। तो जो भी पाठक इसमें रुचि रखते हैं वो अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं, ये किताबें अमेजोन पे अवेलेबल हैं, और बहुत ही बढ़िया, मतलब लिखते लिखते या उनको उसका अनुवाद करते करते मैंने भी बहुत कुछ सीखा है कि वही जीवन में जी हम कितना कुछ सोचते हैं कि ऐसा होगा, कितनी प्लानिंग बना के रखते हैं, पर जीवन हमेशा वैसा नहीं चलता। नियति में क्या लिखा है किसी को नहीं पता, और उसके हिसाब से आगे बढ़ते जाना ही जीवन है। बहुत तो इंस्पायरिंग, उसके मुझे बारे में है टाइटल ये ही दोनों। दोनों इंस्पायरिंग लगे थे जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़े थे टाइटल। अभी तक तो बुक तो नहीं पढ़ी है, हाँ बट टाइटल्स जो थे तो मुझे लग रहा था कि कुछ इस तरह का ही है। मैं आपसे हाँ जानना चाह रहा जी था कि किस टॉपिक्स पर हैं और कैसी भी हैं। तो हाँ एक लास्ट मेरा सवाल होगा नित्या, कि ये जो आपने ट्रांसलेशन किया तो कितना टाइम लगा, और किस तरह का, मतलब ये जो हम ट्रांसलेशन करते हैं वो खुद के लिखने से कितना अलग है? खुद के लिखने से देखिए, क्योंकि वो किसी दूसरे की भाषा में लिखी हुई, मतलब दूसरे के बोलने का तरीका या उस चीज को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। वो उसको बहुत, जैसे ये तो किताब खुद उनकी अर्धांगिनी ने ही लिखी हुई है अपने हस्बैंड के बारे में, और एक उनके बारे में जो किताब है वो उनके भाई ने लिखी हुई है। तो मिसेस भंडारकर के बारे में जो किताब है वो उनके भाई ने लिखी है, और जो कर्नल भंडारकर के बारे में जो किताब है वो मिसेस भंडारकर ने लिखी है। तो उनका एक्सप्रेस कर, क्योंकि वो तो उनको पर्सनली जानते हैं ना, तो उनके एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। तो ट्रांसलेशन में थोड़ा सा आपको, आप बहुत कुछ चीजें अपने तरीके से या अपने तरीके से लिखना चाहते हैं कि हम ऐसा करें, पर आप थोड़ा सा लिमिटेशन भी हो जाता है उसमें कि आपको जो उनके भाव हैं उनको अलग भाषा में प्रस्तुत करना है। तो पहले तो आपको उनके भावों को समझना पड़ता है कि वो क्या चीज बताना चाह रहे हैं और किस भाव से बताना चाह रहे हैं, फिर उस शब्दों के हिसाब से उसको ढालना पड़ता है। और इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि मुझे ना हिंदी से बहुत प्यार है, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब कोई इंग्लिश की चीज जब हिंदी में आती है ना, मुझे लगता है कि हाँ, मतलब और हिंदी है अब जैसे अपनी मातृभाषा ही है, तो एक अपनापन मुझे लगता है। तो उसमें अगर उससे लोग, ज्यादातर पाठकों के पास पहुंच भी सकती है किताब, और ज्यादातर पाठक पढ़ भी सकते हैं, तो ये थोड़ा सा लगता है कि मुझे कि हाँ, दूसरों के भाव को समझकर उसको आपको इस भाषा में प्रस्तुत करना है। तो वो है। और एक चीज जरूर बताना चाहूंगी गौरव, कि ये मिसेस भंडारकर से मेरी बात हो रही थी हमारी, ये विश्व पुस्तक मेले की परिचर्चा के दौरान ही, तो जब उन्होंने ये बोला ना कि उनसे पूछा मॉडरेटर ने कि आपने ये किताब क्यों लिखने का सोचा, तो उन्होंने यही बोला कि मेरे बच्चे उस समय 5 और 7 साल के थे, तो जब वो बड़े हो गए तो ऐसे कॉलेज में थे, तो मैंने उनसे पूछा कि उनको याद है अपने पापा के बारे में, तो दोनों ने मना कर दिया कि उन्हें पापा की याद, क्योंकि बहुत छोटे थे जब उनके फादर का ये वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो उनको याद ही नहीं था तो कि उनके पापा कैसे थे या उनके साथ उनका कैसा व्यवहार था। तब उन्होंने बोला, तब मैंने सोचा कि मुझे अजीत के बारे में ये किताब लिखनी चाहिए। तो वो मुझे बहुत टचिंग लगा था, और मेरे को इतना फील हुआ ना कि एक कैसे, मतलब कैसे जीवन बदल जाता है एकदम से ना, बिल्कुल और एक बच्चे को अगर उसके पिताजी के बारे में ही याद नहीं है, तो जी बहुत ही टचिंग मोमेंट था वो मेरे लिए।
तो ये दो किताबें जो भी पढ़ना चाहें बहुत ही प्रेरणादायक किताब है और सच्ची कहानी है, ऐसा भी नहीं है कि कोई फिक्शनल है, बिल्कुल सत्य घटनाओं पर आधारित, उनके जीवन पर आधारित किताब है, बिल्कुल पढ़नी चाहिए सबको। बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने बताया है तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उस उन किताब से, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं। और एक अलग एक अच्छा सा रीज़न है, मतलब किताब लिखने का एक अनूठा रीज़न है मैं बोलूँगा, कि मतलब लोग अलग अलग वजहों से लिखते हैं किताबें या फिर कहानियाँ, पर ये जो था कि हाँ उन्हें पता हो कि उनके पिता कैसे थे, तो वो एक अलग ही रीज़न है हाँ किताब लिखने का। हाँ नाइस। और वो कारण अब एक तरह से ना एक एक ऐसा वो एक जो पहल की उन्होंने अपने बच्चों के लिए सोच के किया होगा, पर वो एक पूरा कारवां बन गया है। मतलब वो आजादी के जो 75 साल हुए हैं, अब उन्होंने वही उनके जीवन का एम हो गया कि मुझे सारे नवयुवकों को या ये जितनी नई पीढ़ी है उनको बताना है, और इससे शायद लोग प्रेरित होंगे कि हाँ सेना में जाने के लिए और देश सेवा करने के लिए। तो अभी उन्होंने बिल्कुल। उसकी एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, उस पे उसकी स्क्रीनिंग भी चल रही है स्कूलों में, तो वो एक ओके। मिशन हो गया है, तो बहुत अच्छा है वो। नाइस नाइस। तो नित्या, तो ये कॉन्ग्रेचुलेशंस इन दोनों किताबों के लिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और थैंक यू सो शुक्रिया एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट में। और उतना ही मज़ा आया जितना पहली बार आया था, और ये जो इस बार जो टॉपिक था वो बहुत ही बढ़िया था जो आपने रखा हम सभी के सामने, जी और उम्मीद है जी सबको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू गौरव एक बार फिर से मुझे मौका देने के लिए। और बस फिर मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि ये सिर्फ हमारे विचार हैं, हम इससे कोई कुछ कंक्लूड नहीं करना चाहते हैं, पर ये सिर्फ हमारे विचार हैं और संवाद जारी रखना चाहते हैं जिससे थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हम सभी में हो सके। और खासकर हम ये संवाद जारी रखने का मकसद ही यही है कि हम शायद बात करेंगे तो हम अपने आप में तो इम्प्रूवमेंट कर ही सकते हैं थोड़ा बहुत। एग्जैक्टली, तो एक बिल्कुल बार फिर से बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट ऐसे ही चलता रहे और क्रिएटिव जिंदगियों के बारे में लोगों को बताता रहे, इसके बारे में बहुत बारी शुभकामनाएं आपको। शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू नित्या। थैंक यू चलिए, सो मच गौरव, थैंक यू। पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद नित्या को एक और एक्सपीरियंस याद आया जो वो हम सबसे शेयर करना चाहती थी, जो आप अब सुनेंगे। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि वेस्टर्न क्लोथ्स के ऊपर बिंदी लगाने के ऊपर भी लोग जज कर लेते हैं, और मुझे कई बार इस बात पर जज किया गया है, वैसा ही अगर हम दूसरा पहलू भी देखें तो कई बार हम लोगों को कपड़ों से या उनके वेस्टर्नाइज कपड़ों से जज कर लेते हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंस मेरे साथ हुआ। अभी कुछ दिन पहले ही मैं ट्रैवल कर रही थी और फ्लाइट का वेट करते करते मैंने एक लड़की को देखा, एंड बाय हर लुक्स और उसके लिपस्टिक का शेड या उसके कपड़े पहनने का तरीका, उससे मुझे लगा कि ये बहुत नकचढ़ी, बहुत एरोगेंट और बहुत जेंजी काइंड ऑफ लड़की है। और संयोग की बात यह थी कि जब मैं फ्लाइट में बैठी तो शी वॉज माई को पैसेंजर, उस बाजू वाली सीट उसी की ही थी। और उस 1.5 घंटे की फ्लाइट में जब मैंने उससे धीरे धीरे बात करना शुरू किया और उससे और जानने की कोशिश की, उसने भी मुझसे बात की, तो शी केम आउट टू बी अ वेरी कंपैशनेट पर्सन। उसने उस 1.5 घंटे के कन्वर्सेशन में कितनी बार मुझसे पूछा, क्योंकि उस समय कुछ स्थितियाँ ऐसी चल रही थी कि आई वॉज नॉट हैप्पी, आई वॉज अ बिट डिस्टर्ब। उसने उस 1.5 घंटे के कन्वर्सेशन में मुझसे कई बार पूछा, आर यू ओके, आपको ठीक लग रहा है, अब ऐसा होता रहता है। एंड बाय द एंड ऑफ द फ्लाइट, उस यात्रा के अंत तक आते आते हम लोग इतने अच्छे दोस्त बन गए थे कि हमने अपना फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज किया। तो सिर्फ कपड़ों से ही मैंने जज कर लिया था शायद कि वो बहुत एरोगेंट है या बहुत जेंजी काइंड है और इसके साथ मेरी नहीं पटेगी, पर अगेन आई वॉज प्रूव्ड रॉन्ग। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिस पे हम जज कर लेते हैं लोगों को और पॉजिटिव चीज़ देखना भूल जाते हैं। तो जब मैंने उसका कंपैशनेट बिहेवियर देखा तो देन आई केम टू नो दैट शी इज सच अ गुड पर्सन। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि वी शुड, वी ऑल शुड जज लेस एंड अप्रिशिएट मोर। वी शुड ऑलवेज सी ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्सन। उसके लुक से हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। आप सुन रहे थे द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट विद गौरव सिन्हा।